आपको एयरपोर्ट पिक करने आ जाती। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैं आपको कभी कभी फोन करके सारा की खैरियत मालूम कर लिया करूँ? ये भी कोई पूछने वाली बात है बेटा, बीवी है तुम्हारी वो। मुलाजमों को पैसे देके उनका मुंह तो बंद कर दिया है, लेकिन नमक तो वो अहसन का खाते हैं ना। और अहसन भी कोई नासमझ बच्चे नहीं है। किस तरह देख रहे थे वो तुम्हें? उन्हें दाल में कुछ काला महसूस हो गया था। तेरी दीद दी बना बड़े बड़े दावे करते थे ना, खुलूस नियत दयानतदारी कहाँ गए? सब उड़ गए। कोई है जो मुझे कारोबार में बर्बाद करना चाहता है और आप है कि मुझे लेम एक्सक्यूज दे रहे। हद करते हैं आप। व्हाट नॉनसेंस। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन है आप लोगों के पास। मुझे तमाम कंपनी के नाम डिटेल अपनी टेबल पर चाहिए। जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा अपनी एक पाई वसूल करूंगा मैं उससे। सिर्फ 2 दिन। एक्सक्यूज मी, अभी तक तनख्वाह नहीं दी है। 5 तारीख हो गई है, उसको जरा फोन करके याद तो दिला दे। 5 तारीख हो मैं 10 तारीख लाकर तो तनख्वाह पूरी आपके हाथ में रखते हैं ना, कौन सा मुझे दे देते हैं। और आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे कि उनकी तनख्वाह मैं दबा के बैठ गई हूँ। क्या बात है, कड़वा करेला चबा के बैठी है क्या? अम्मा साहब बातें, मैं तंग आ गई और सारा भी ना तंग आकर इस घर से गई है। होगी भाई, इस घर के खर्चे तो रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं, कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। और ऊपर से आपका बेटा ज़हीन घर में पूरे 20,000 लाके देता है। जितनी उसकी तनख्वाह है वो उतनी ही देगा ना, अगर ज्यादा होती तो वो ज्यादा भी देता ना। मेरा बेटा कंजूस है ना ही छोटे दिल का मालिक। तू तो उसकी मजबूरियाँ जानती है कि नहीं जानती है? इस घर में रहती है ना तू। और ये सारा की बात कहाँ से बीच में आ गई? चली तो गई है वो ये घर छोड़ के, तभी भी तुझे चैन नहीं आया, सुकून नहीं आया। मुझे तो लगता है तूने और तेरी बहन ने ना तावीज गंडे करवा के और दुआएं मांग के उसको इस घर से भगा दिया है। हाँ, अब तो आप यही कहेंगी ना। आपको नजर नहीं आ रहा था किस तरह ज़हीन उसके नखरे उठा रहा था? आए दिन कभी पिज्जा, बर्गर, बोतल, कभी कुछ आ रहा है। दाल सब्जी की शक्ल तो उसने देखी ही ना। और कॉफी की जो शक्ल हमने नहीं देखी, खुद ही पीती थी, खुद ही रखती थी। अम्मा मैं आपको बता रही हूँ, उस लड़की के इस घर में टिकने वाले गुण ही नहीं थे। मुझे और सज्जों को इल्जाम देने की जरूरत नहीं है। और चली गई ना, बहुत अच्छा हुआ इस घर से चली गई, वरना आपका बेटा सारी जिंदगी उसके खर्चे उठा के अपनी उम्र भी गंवा था और तनख्वाह भी। फिर घर में क्या खाक लाता वो। ज़हीन को तुम्हारी बहुत फिक्र है, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। ज़हीन की मोहब्बत में मुझे कोई शक नहीं। इन बुरे हालात में जब तक अहसन साहब ना आ जाए, वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा मेरी बच्ची। सारा का फोन। हेलो सारा, ठीक हैं आप? हाँ ज़हीन, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे हालात मुझे इस मोड़ पर ले आएंगे। मेरी शादी एक ऐसे शख्स से हो जाएगी जिससे मैंने शादी करने का कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। लेकिन तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है। जितने दिन भी मैं तुम्हारे घर रही हूँ तुमने मुझे बहुत इज्जत दी है। पता नहीं किस्मत ने हमें क्यों मिला दिया। हम दो अलग दुनियाओं के लोग क्यों एक हो गए। बुआ ठीक कहती हैं, मैं चाहे जितना भी इनकार करूं, लेकिन किस्मत ने तुम्हें मेरा शौहर बना दिया है। माना कि यह रिश्ता अचानक और मजबूरी में जुड़ा, लेकिन मैंने इस रिश्ते को हमेशा इसकी पूरी अहमियत और हैसियत के साथ कबूल किया। कभी अपने फर्ज से, अपनी जिम्मेदारी से ना पीछे हटा हूं ना हटूंगा। मेरी जिंदगी में सिवाय आपके अब कोई नहीं आएगा सारा। मैं आपका साथ हमेशा निभाऊंगा सारा, लेकिन कभी आप पर मुसल्लत नहीं होगा। ये रिश्ता कभी जबरदस्ती का नहीं होगा। मैं मोहब्बत में जबरदस्ती का कायल नहीं। मैं जानती हूँ ज़हीन, तुमने मेरा बहुत साथ दिया और तुम्हें कभी भी किसी भी चीज में मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती, लेकिन शायद मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। ज़हीन, मैं जानती हूँ कि ये सुनकर तुम उदास हो जाओगे, लेकिन ये ताल्लुक ना चाहते हुए भी हम दोनों को बहुत तकलीफ दे रहा है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम इस ताल्लुक को अब खत्म कर दें और अपना अपना रास्ता इख्तियार कर लें। क्या मतलब आप कहना क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे तलाक दे दो। जिस ताल्लुक का हवाला तुम मुझे और खुद को देते हो बार बार, जो लोग समझते हैं, तोड़ दो ये रिश्ता, प्लीज छोड़ दो मुझे। आँख ये नम है, टूटा भरम है, तू ही वजह है, तेरा करम है। आँख ये नम है, टूटा भरम है, तू ही वजह है, तेरा करम है। समझे न कोई दिल को दुखा के झुकना है आखिर। मीटिंग में डायरेक्ट तुमसे तो कोई बात नहीं किया सर ने ना? हाँ, वहाँ पता नहीं क्यों इज्जत रख ली थी मेरी, लेकिन कमरे में बुलाकर जो उसने मेरा हशर किया ना, तुम उसका अंदाजा भी नहीं कर सकती। ये फाइल निकालो, वो फाइल निकालो, ये वाला फिगर इस वाली इनवॉइस से मैच क्यों नहीं हो रहा, कंपनी से मीटिंग थी, 20% में डील क्यों कर ली, यही सारी बातें थी बस। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ आज। अगर वक्त से पहले भांडा फूट गया ना तो ऐसे छोड़ेगा नहीं हमें। शाज़मा, मैं भी तंग आ गया हूँ रोज रोज के इस ड्रामे से। इस मामले को खत्म करके हम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। एहसान अगर अपनी इंक्वायरी पर आ गया ना तो सीधा ज़हीन तक जा पहुंचेगा। हम तो उसे बीच में कहीं नजर भी नहीं आएंगे और ज़हीन के लिए मेरी तैयारी मुकम्मल है। एहसान अपने दुश्मन को एक सेकंड ज़ाया किए बिना पुलिस के हवाले कर देगा और पुलिस की इंक्वायरी के बाद जब ज़हीन का अकाउंट खाली मिलेगा तो वो क्या कुछ नहीं समझेगा। जब तक वो कुछ समझेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हम अपना बोरिया बिस्तर समेट कर इस मुल्क से जा चुके होंगे। बुआ, आप, उसने जबरदस्ती तुम्हारे साथ निकाह नहीं किया था, तुम खुद उसके पास गई थी। सारा, तुम अभी उसके निकाह में हो, लेकिन उसने कभी तुम पर हक नहीं जताया। उसकी शराफत का अंदाजा लगाओ, उसकी कदर करो बेटा। वो एक अच्छा और मुखलिस लड़का है। ऐसे शरीफ लड़के को धुतकार कर तुम बहुत पछताओगी। सोचने के लिए वक्त ले लो सारा, जल्दबाजी में कोई गलत फैसला न कर लेना। बुआ, मैं मानती हूँ कि वो बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन आप प्लीज मुझे उससे रिश्ता रखने पे मजबूर मत करें। बुआ प्लीज ये नहीं हो सकता। उसमें और मुझ में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का। माफ करना बेटा, अल्लाह भी इसके दिन बदल दे। ये सब अल्लाह के हाथ में, सब उसकी तकसीम है। तुम भी तो एक अमीर बाप की बेटी हो, खुद को देख लो अभी किस हाल में। माफ करना बेटा, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। सब्र करो बेटा, सब सही हो जाएगा। अक्लमंदी से फैसला करो। अब बस बहुत हो गया वहाज, अब मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा। अजीब संकी आदमी है। मुझे नहीं लगता कि मेरा इसके साथ वक्त गुजरेगा। कुछ ना कुछ करके इसके कंपटीटर से 10 करोड़ रुपया निकलवाओ, मेरी जान छुड़वाओ इस बुड्ढे से। कल रात अचानक उठ के बैठ गया। बात करके नंबर डिलीट कर दिया करो, क्या पता कल को वो तुम्हारा फोन चेक कर ले। तो मैं कर देती हूँ, उसकी फिक्र मत करो। लेकिन जो बात मैं तुमसे पूछ रही हूँ उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? शाज़मा तुमने सवाल किया ही कब? मैं तुम्हें अपना मसला बता दूं कि अहसन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, प्लीज कुछ करो। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम परेशान मत हो। मुझे बताओ तुम क्या चाहती हो? मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी अहसन से जान छूट जाए, मुझे तलाक दिलवा के दो उससे। उसके बाद हम कहीं दूर चले जाए, एक साथ रहे, इस सारे झंझट से हमारी जान छूट जाए। तुम्हारे ख्वाब पूरा होने का वक्त अब बहुत करीब है। सच कह रहे हो। एक एक लफ्ज़ मुनाफिर भाई, कोई काम है? देखें सारा, मैं तमीज नहीं बांधूंगा, सीधी बात करूंगा। वैसे भी आजकल तेजी का जमाना है, वक्त किसी के पास नहीं है। मेरी माँ बहुत जज्बाती औरत है और उन्हें वैसे ही आपसे दिली लगाव कुछ ज्यादा ही है। एहसन साहब के एहसानात को तो कोई नहीं भूल सकता, हम सब उनको मानते हैं। ना मानने का जवाब ही पैदा नहीं होता। लेकिन अब तो आप समझ सकती हैं कि मैं फैमिली वाला बंदा हूँ। ऐसे में जॉब भी अहसन साहब की दिलाई हुई है। आप हमारे घर आकर रुक गई, अम्मा ने आपको रख लिया। अहसन साहब आपसे नाराज हैं, आपको आग कर चुके हैं। इन सब में हम बिला वजह इस झगड़े का हिस्सा नहीं बनना चाहते। आप प्लीज हम पर मेहरबानी करें। मुनाफिर भाई, मैं किसी पे भी बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। बस आप कुछ दिन मुझे छत तले रहने दे। जैसे ही मुझे नौकरी मिल जाएगी मैं अपना कोई बंदोबस्त कर लूंगी। आप बेफिक्र रहें। सारा, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन यहाँ कौन है जो आपके लिए जॉब लेके बैठा हुआ है कि यहाँ आपने अप्लाई किया और आपकी जॉब लग गई? ना जाने और कितना वक्त लगे। मेरे बीवी बच्चे अगले हफ्ते आने वाले। बेहतर होगा कि आप अपना कोई और बंदोबस्त कर लें। आप क्या कहना चाह रहे हैं मुनाफिर भाई? देखें सारा प्लीज, हम लोग लोअर मिडिल क्लास लोग हैं। एक वक्त के खाने के बाद पता नहीं होता कि अगले वक्त का खाना मिलेगा भी या नहीं। अब अम्मा की हड्डियों में भी जान नहीं रही है। मैं घर का वाहिद कफील हूँ और इन सब की वजह से मैं अपनी जॉब नहीं गवा सकता। और हाँ, इन बातों का जिक्र प्लीज अम्मा से मत कीजिएगा। कहाँ जाऊंगी मुनाफिर भाई? कहाँ जाऊंगी मुनाफिर भाई? अम्मा बता रही थी कि तुम्हारे लिए कोई रिश्ता है। हाँ, वो तो आते ही रहते हैं, क्या नहीं बात है इसमें। अम्मा तो ये भी बता रही थी कि जहांगीर उनको बहुत पसंद आया है। हाँ, उन्हें तो मेरे लिए दर्जी, वर्जी, कसाई, मोची सभी पसंद आ जाते हैं। जल्दी घर से भगाने के चक्कर में जो है। तो ये परचून फरोश क्या बुरा लगेगा उन्हें? अरे परचून फरोश से तो क्या हुआ, अच्छा खासा कमा लेता है। अरे पागल तू ऐश करेगी ऐश, ज़हीन की तनख्वाह से तो बेहतर ही कमा लेता है। और सबसे बड़ी बात अपनी दुकान है उसकी, किसी की चाकरी से तो बेहतर ही है ना। मेरी बात सुनो, ज़हीन के साथ तो मैं फुटपाथ पे भी रह लूंगी। अरे बहन ये सारी कहने की बातें, सारा ने कौन सा गुजारा कर लिया इस घर में भला? उसे मोहब्बत नहीं थी। मैं बता रही हूँ सज्जो, तू बहुत बड़ी गलती करने जा रही है उससे शादी ना करके। अरे ज़हीन के इंतजार में तू कब तक बैठी रहेगी? मैं बता रही हूँ तेरी यहाँ दाल बिल्कुल नहीं गलने वाली। हाँ मैं मोहब्बत करती हूँ ज़हीन से, और मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी, सारा का नहीं होने दूंगी। अरे मोहब्बत ना दो तरफा अच्छी लगती है, दो तरफा। और जब ज़हीन को तुमसे कोई उल्फत है ही नहीं तो एक तरफा मोहब्बत करके तुम कौन सा तीर मार लोगी? सजो मेरी मानो तो संजीदगी से इस रिश्ते के बारे में सोचो, इसी में भला है तुम्हारा। हेलो हेलो, अरे क्या हो गया उस लड़की को? क्या सोच रही हो? बेटा आओ मैं तुम्हारे बाल बना दूं। मैं कभी कभी सोचती हूँ बुआ कि इंसान जिस चीज की इतनी ख्वाहिश करता है वो उससे दूर क्यों चली जाती है, खास तौर पे मोहब्बत। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुमसे तो सब मोहब्बत करते हैं, लेकिन इस वक्त अगर हालात तुम्हारे हक में नहीं हैं तो क्या हुआ, हमेशा थोड़ी ऐसा रहेंगे। बुआ मुझे सारे क्यों छोड़ जाते? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? अब तो मुझे लगने लग गया कि वाकई मैं ही बुरी हूँ, मैं ही गलत हूँ, मैं ही लोगों पर बोझ हूँ। नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हुआ है तुम्हें? क्या बात है बताओ मुझे, किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है जान, कुछ भी नहीं। मत रो, मेरे दिल को तकलीफ होती है। अगर आपको मुझसे इतनी शिकायत है तो मेरा इस घर में रहने का कोई जवाब नहीं बनता। आप रहे इस औरत के साथ, मैं बहुत जल्द अपने रहने का कोई बंदोबस्त कर इस घर से ही नहीं आपकी जिंदगी से भी हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगा। मैं बुआ को मुश्किल में नहीं डाल सकती, लेकिन क्या मुझे बुआ को बताना चाहिए? अगर मेरे बताने से मुनव्वर भाई नाराज हो गए तो? ठीक कह रहे हैं, मैं बोझ बन गई हूँ। मुझे हर हाल में नौकरी तलाश करनी होगी, मगर इस अनजान शहर में मैं कैसे तन्हा? या अल्लाह मैं क्या करूं? किससे मदद लूं? हमारे पास कम से कम भी 2-3 महीने हैं और इस अरसे में 3 से 4 बड़ी बड़ी पेमेंट्स वसूल कर लें, पर तुम किसी बात की परवाह मत करना। एहसन हयात है वो, करोड़ों का क्या अरबों का नुकसान भी रिकवर करना जानते हैं वो। आप बस अपनी फिक्र करें सारे। ज़हीन, मैं जानती हूँ कि ये सुनकर तुम उदास हो जाओ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम इस ताल्लुक को अब खत्म कर दें और अपना अपना रास्ता इख्तियार करें। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे तलाक दे दो, खत्म कर दो ये रिश्ता जिस ताल्लुक का हवाला तुम मुझे और खुद को देते हो बार बार। जो लोग समझते हैं, तोड़ दो ये रिश्ता, प्लीज छोड़ दो मुझे। कैसे छोड़ दूं मैं तुम्हें, कैसे छोड़ सकता हूं मैं तुम्हें। ये कैसी आज़माइश में डाल दिया है तुमने मुझे। अब मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं और तुम मुझसे मेरी सांसें मांग लेना चाहती हो। मोहब्बत करता हूं तुमसे सारा, मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। आँख ये नम है, टूटा भरम है, तू ही वजह है ये। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू। वाह, दिस इज सो प्रिटी। थैंक यू। एहसन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एहसन, आप सारा के कमरे में क्या कर रहे हैं? आप चले अंदर। अकेला छोड़ दो मुझे, मैं कुछ देर यहीं रहना चाहता हूँ। एहसन, आर यू ओके? मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दो। जैसे आपकी मर्जी। अब मेरी बर्थडे आ रही है तो आप मुझसे बिजी हैं। मेरी बर्थडे के दिन आप हमेशा कोई मीटिंग रख लेते हैं। मुझे तो लगता है कि मैं आपको कोई सौदे नहीं एहसन, रात आप यहीं सो गए? आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए नाश्ता बनवाती हूँ। एहसन, मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मेरा मशवरा माने तो आज ऑफिस मत जाएं प्लीज। लगता है आप सारा को बहुत मिस कर रहे हो। अरे बेटी है मेरी, लेकिन उसने कुछ भी हो जाए मेरा उसके साथ रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। आज बर्थडे है उसका, और ये पहला बर्थडे है जो मैं उसके साथ नहीं हूँ। आप उसके साथ नहीं, वो आपके साथ नहीं है। वो आपको छोड़ के गई है, उसे खुद पछताना चाहिए। आप क्यों उसकी याद में पागल हो रहे हैं? क्या हो गया शास्मा? मैं उसको उसकी गलतियों की सजा खुद से दूर रख के दे तो रहा हूं, मगर पाप उसका, खुद को भी सजा दे रहा हूं। तुम ये बात समझती क्यों नहीं हो? मैं समझती हूँ एहसन, मैं आपको देख के परेशान हूँ। अब आप टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस लेना आपके लिए अच्छा नहीं है। मैं क्या करूँ, मैं भी तो ये सिचुएशन पहली दफा देख रही हूँ। मैं आपके लिए बहुत परेशान हूँ। तुम परेशान मत हो, मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाओ नाश्ता लगवाओ। बेटा, सबसे पहले तो हमेशा तुम मेरे पास आया करती थी ना, और आज तुम कहीं भी नहीं हो। सारा, ये रहा तुम्हारा नाश्ता। मैंने आपको कितनी बार मना किया कि आप ये सब नहीं किया करें। मैं भी आ रही थी आप सबके साथ बाहर नाश्ता करने के लिए। बुआ, बुआ लगता है बाबा का फोन है। ज़हीन, हैप्पी बर्थडे सारा, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। क्या कह रहा है ज़हीन? आज मेरी बर्थडे है बुआ, मुझे बर्थडे विश कर रहा है। अच्छा, वाकई मैं भूली नहीं कितनी धूमधाम से तुम्हारी सालगिरह मनाई जाती थी। एहसन साहब तो खास तौर पर मुझे, लेकिन बाबा तो मेरी बर्थडे भूल ही गए। मैं समझी थी कि बाबा का फोन है। मुझे लगा था कि आज बाबा सब कुछ भुलाकर मुझे फोन कर ही लेंगे, शायद मुझे माफ कर ही दे, मुझे घर बुला ले, मगर मुझे यकीन है वो तुम्हें भूले नहीं। जिस तरह तुम फोन करने से कतरा रही हो ना उन्हें, इसी तरह वो भी हिचकिचा रहे होंगे, मानो वो भूले नहीं। लिख लो मेरी बात। मगर मैं हैरान हूँ ज़हीन को किस तरह तुम्हारी सालगिरह याद थी। मैं भी हैरान हूँ कि उसको मेरी बर्थडे कैसे याद है। जो प्यारा हो ना, उसकी कोई बात भूली नहीं जाती, चाहे वो बाप हो या शोहर। अच्छा तुम नाश्ता करो, ठंडा हो जाएगा। मैं जरा बाजार से होकर आती हूँ। ठीक है। हैप्पी बर्थडे सारा। तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम्हारी डैड की कंपनी कितने लॉस में जा रही है? पिछले 1.5 महीने में उनको 2 मरतबा करोड़ों का नुकसान हो चुका। मॉम ने सुबह ही बताया मुझे, इसीलिए कहता था उन्हें कि अगर मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर लेते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता हो। खैर मैं तो सेफ रहा। वैसे तुम्हारे डैड के लिए मेरी ऑफर अब भी मौजूद है। काफी अजीम इंसान है आप, अब भी मेरे बाबा को ऑफर दे रहे हैं। मेरे ख्याल में आप मेरे बाबा की फिक्र ना ही करें, चाहे उन्हें नुकसान ही होता रहे। वो मेरे बाबा हैं, एहसन हयात हैं वो। करोड़ों का क्या, अरबों का नुकसान भी रिकवर करना जानते हैं वो। आप बस अपनी फिक्र करें सारे। क्या बात है? कल रात अहसन सारा के रूम में गया था। क्यों? खैरियत? खैरियत ही तो नहीं है वहां आज। अहसन आधी रात को अपनी बेटी के कमरे में गया, उसी बेटी के रूम में जिसको उसने घर से बाहर निकाल दिया था। तुम्हें नहीं लगता कि वो जज्बात में आके कहीं सारा को माफ ना करते और हमारे लिए कोई मुश्किल खड़ी हो जाए? कम ऑन शाज़मा, वो दोनों बाप बेटी हैं। उन दोनों की जिंदगी में रोज ऐसे कई लम्हे आते होंगे जिसमें वो एक दूसरे को याद करते होंगे। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे बहाज। अगर तुम तब अहसन को देख लेते ना तो तुम भी परेशान हो जाते। उस वक्त तो मुझे ऐसा लग रहा था कि अहसन अभी दौड़ा दौड़ा जाएगा और सारा को वापस ले आएगा। साथ ले तो नहीं आया ना? अगर वो उसको ले आया फिर? मैंने बहुत मुश्किल से उस आजाद से जान छुड़वाई थी। मैंने चाहती कि वो सारा को दोबारा मेरे सर पे मुसल्लत करते। देखो शाज़मा, हमारे पास कम से कम भी 2-3 महीने हैं और इस अरसे में 3 से 4 बड़ी बड़ी पेमेंट्स वसूल कर लें, पर तुम किसी बात की परवाह मत करना। मुझे तो है, आज सारा की बढ़ते है बहाज और मेरे दिमाग से ये ख्याल ही नहीं निकल रहा कि अगर अहसन सारा को घर ले आए तो पता नहीं ये सारा का अजाब मेरे सर से कब उतरेगा। Okay.